there is mystery, there is murder, there is a lot. So you have a lot to catch up. कैसे वो उनके जैसा बन पाए, even though वो है नहीं. तो मेरी बीवी, मेरी बंदी भी शायद भाग जाए मेरे को छोड़ के. और उन्हें पता है कि उन्हें लाइफ में क्या चाहिए, उनका गोल उन्हें बहुत अच्छे से पता है और वो उस गोल की तरफ काम कर रही है. स्वागत है आप सबका ANI पर. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच. सो नामाकुल सीरीज के बारे में थोड़ा बताएं. आई थिंक वी आर एन ऑनसेंबल कास्ट. हम तो मतलब चाहे रूबिया हो चाहे बाकी लोग हो, बट ये जो कहानी है ये कहानी मयंक और पीयूष की है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड ये जो दो लड़के हैं, इनका ब्रोमांस, इनकी जर्नी, इनकी फ्रेंडशिप, आई थिंक आई लाइक टू कॉल इट ब्रोमेडी. Like, because there is romance, there's comedy, and then इनकी जो journey है, कैसे they want to be heard, they want to be seen, इनको कैसे recognition चाहिए ज़िंदगी में, क्योंकि इनको कोई seriously नहीं लेता है. तो वो जो college going beautiful comedy, romance, and वो एक recognition जो दो लड़कों को चाहिए, इन लोगों की journey है, कैसे ये प्यार में पड़ते हैं और कैसे ये लोग इनकी रिस्पेक्टिव लड़कियों से मिलते हैं और कैसे फिर जर्नी आगे बढ़ती है, वो कहानी है. जहाँ पर कहानी का एक पात्र मैं भी हूँ, रूबिया. तो लेकिन जो एक ब्यूटीफुल कहानी है वो इन दोनों की है और इन्होंने बखूबी निभाई है बहुत अच्छे से. सो दैट्स व्हाट इट इज़ अबाउट. एंड ऑफकोर्स इन द एंड देर इज़ मिस्ट्री, देर इज़ मर्डर, देर इज़ अ लॉट. सो यू हैव अ लॉट टू कैच अप. All in all, मज़े हैं. अपने किरदार के बारे में थोड़ा बताएं. मेरा किरदार जो है, मैं इस प्रोजेक्ट में रूबिया प्ले कर रही हूँ इस सीरीज़ में. और रूबिया एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि बहुत ही ज़्यादा समझदार, इंटेलिजेंट, और उन्हें पता है कि उन्हें लाइफ में क्या चाहिए, उनका गोल उन्हें बहुत अच्छे से पता है और वो उस गोल की तरफ काम कर रही है. वो खूबसूरत हैं, उन्हें ये भी पता है, और वो अपनी खूबसूरती का बखूबी इस्तेमाल करती हैं. उन्हें पता है कि उनकी खूबसूरती से आगे जो उनका गोल है ज़िंदगी में वो अचीव कर सकती हैं. तो वो उस खूबसूरती का बखूबी इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि ये दोनों नामाकूल हैं और इन नामाकूलों को वो बहुत बेवकूफ़ बनाती है और बहुत कुछ होता है. तो वो आप जब शो देखेंगे आपको पता चलेगा. अभिनव, मेरे किरदार का नाम मयंक है. वो लखनऊ में ही पला बड़ा है. वो उसके पिताजी, दादाजी, परदादाजी, सब लोगों ने कट्टा और कट्टो को एक्सपीरियंस किया है. उसने कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया. कैसे वो उनके जैसा बन पाए, इवन दो वो है नहीं, वो यू फील विल बी रिस्पेक्टेड. अगर तुम्हें लगता है कि हाँ, अगर मैं ऐसा बनूँगा ना तो सब ठीक हो जाएगा. तो आई थिंक मयंक का वही है कि उसको बस ऐसा बनना है. क्या है वो ऐसा, उसको पता नहीं, बट उसको ऐसा कुछ बनना है. So that's the journey, and then of course वो उसकी लाइफ में, इनकी लाइफ में कुछ लोग आ जाते हैं जो चीज़ें बिगाड़ देते हैं. फिर अब बिगड़े हुए बच्चों को तुम और बिगाड़ दोगे तो नामाकुल भी बन जाएंगे. बिगड़े हुए तो नहीं है भाई, बहुत क्यूट हैं दोनों. बहुत क्यूट हैं, पर ऑफ कोर्स बाद में बिगड़ जाते हैं. एंड पीयूष मेरे कैरेक्टर का नाम है. ओके. एंड आई थिंक वहीं से उसका वो फीलिंग स्टार्ट है कि अगर मैंने कुछ किया नहीं तो मेरी बीवी, मेरी बंदी भी शायद भाग जाए मेरे को छोड़ के. सो उस थॉट के साथ वो मयंक के साथ भी शायद उसने दोस्ती इसलिए करी थी कि उसको दिखता होगा भाई ये मेरा कुछ कर सकता है, इसकी बॉडी वॉडी है, ये करेगा वहाँ पे, इसके पास थोड़ा सा है एटीट्यूड वगैरह. दोनों की अपनी ट्रेजेक्ट्री चलती है, देखते हैं कैसे कैसे चेंज होता है. एंड यही है कैरेक्टर. और फिर इनकी जिंदगी में भौकाल होता है. भौकाल होता है, काफी कुछ होता है. I think more than anything else, the people of Lucknow, and in particular about Mayank, Piyush, Rubia, Minty, group of these people, कोशिश कर रहे हैं कि navigate कर सके ज़िंदगी से in their own way, but they all have their own mazes to solve in their brain. तो जैसे अगर Rubia हैं, तो अगर आप trailer देखेंगे तो आपको लगेगा Rubia एक teacher हैं शायद, आपको ऐसा assumption आएगा, but when you watch the show, you'll know that she's okay. Everything. Dangerous. Yeah. Similarly with us, you'll think we're cool. We are not. And yeah, it's just about these boys, these people, and us navigating through Lucknow and trying to be people. So as we saw the trailer, ki college-based drama story hai. So aap log ki life mein college ki kuch khas memories, so please bataye. मुझे तो बहुत अटेंशन मिली है, बहुत ज़्यादा अटेंशन मिली है. तो मेरी कॉलेज की जर्नी तो बड़ी मस्ती, बड़ी कूल थी.
थी एंड आई रियली रियली एंजॉयड इट. मैं अपने सारे काम करवा लेती थी, मुझे किसी से प्रोजेक्ट बनवाना है, मुझे कुछ करना है, मैं सब करवा लेती थी. तो मेरी तो बड़ी मस्त थी. यू गाइस टेल मी अभिनव. मेरा कॉलेज यार, मैं तो ऐसी, मैं ड्रामा सोसाइटी ज्वाइन करी थी, मेरा उसी में निकल गया कॉलेज में को तो ऐसे. और फिर मुझे पहली बार इश्क कॉलेज में हुआ था, तो वो भी अच्छा था. वाज इट अ सीरियस वन? या वी डेटेड फॉर लाइक ऑलमोस्ट 4.5 years. ओह. सो व्हेन आई सॉ हर ऑन स्टेज फॉर द फर्स्ट टाइम, माय बेस्ट फ्रेंड वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी and I said I think I'm gonna date this girl, and he said what? I said I don't know, I have a feeling, I think I'm gonna date this girl, and then mm-hmm. I started dating. Love at first sight. 100%. She, every day that I dated her, I thought I was with the most beautiful girl. Wow. Adam. मेरी कॉलेज लाइफ ठीक ठीक ही थी, इतना कोई इंटरेस्टिंग नहीं था. मेरा स्कूल बहुत इंटरेस्टिंग था एंड पोस्ट कॉलेज काफी इंटरेस्टिंग था. बट एक स्टोरी जो इनके जैसी सी है थोड़ी सी, मेरे को आपने पूछा ना कि स्टोरी कौन सी है, याद कराता हूँ. तो मैं अपने एक दोस्त के साथ गया था, हम दोनों ही, हमको पता नहीं था हम क्या करने जा रहे हैं. हम कह रहे थे कि क्लब में जा रहे हैं, हम स्वेटर वेटर पहन के प्रॉपर लाइक जाती था. nice. हमने गेट पे खड़े हुए, उसने बोला 5 pound. हमने कहा अच्छा ठीक है 5 pound. वी एंटर्ड एंड घुसे, एवरीथिंग वॉज डार्क, लेफ्ट राइट देख रहे, लोग ही लोग अपना करे जा रहे हैं. स्ट्रेट चलते 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 वी एग्जिटेड फ्रॉम द अदर साइड. वी पेड फॉर इट, नेवर डिड अटेंड इट. तो एग्जैक्टली मयंक और पीयूष के जैसे ही, वो कहीं वहाँ पे भी हमारा वो पार्टी थी ना उसके चक्कू भैया की पार्टी, वहाँ पे भी ऐसे से कुछ सिचुएशन हुआ था, बस पहुँच गए किसी तरीके से. एंड जो बाकी हुआ वो नामकूलती था सारा फीलिंग. तो हाँ ऐसा सही था मेरा कॉलेज, समझते समझने में निकल गया. तो हिना मेरा आपसे एक सवाल है कि आपने टेलीविजन में एक सिंपल सी लड़की का कैरेक्टर प्ले किया था, अब आप स्ट्रॉन्ग बोल्ड कैरेक्टर्स प्ले कर रही हैं, तो किसे करने में ज़्यादा आपको मज़ा आता है, अच्छा लगता है एज बीइंग अ एक्टर? मैं आज भी एक, इनफैक्ट मैंने अभी एक सीरीज ख़त्म की है जिसमें आई डोंट थिंक उससे ज़्यादा इनोसेंट मैंने आज तक प्ले किया है. तो वो इतनी इनोसेंट लड़की है, इतनी इनोसेंट लड़की है. तो यू विल सी व्हेन इट कम्स आउट. तो ऐसा नहीं है, आपका जो आप जो साइन करते हैं जिस चीज़ के लिए, उस प्रोजेक्ट में आपका कैरेक्टर क्या डिमांड करता है उस पर डिपेंड करता है. तो ऐसा नहीं है, मैं आज भी हर तरह के कैरेक्टर्स करती हूँ और मुझे बड़ा मजा आता है. इनोसेंस की अपनी एक बात है. लेट मी टेल यू, या एग्जैक्टली. सो इनोसेंस प्ले करने की अपनी एक बात है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स प्ले करने की अपनी एक बात है. यू फील मोर, मच मोर कॉन्फिडेंट एंड ऑल ऑफ दैट. बट इनोसेंस की अलग ही बात है. Okay, so all the best guys for Namakul. Thank you. And thank you so much for joining AIR. Thank you so much, Aroma. देखिए पूरी सीरीज Amazon Mini TV ऐप पर, वो भी बिल्कुल फ्री.